डेली राउंडअप में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि चलिए थोड़ी बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं, लेकिन बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अभी फ़िलहाल आने वाले कल और परसों भी रहेगी, यानी कि आने वाले 48 घंटे तक बारिश और मौसम ख़राब रहने की अंदेशा है। और अगर बात की जाए अभी तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जम्मू में चल रही है, और श्रीनगर की बात करें तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। अब आज का जो प्रमुख मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है पीडीपी के फॉर्मर एमएलए एजाज मीर एनआईए की रडार में है। अब एनआईए की रडार में क्यों है पीडीपी के फॉर्मर एमएलए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वही एमएलए है जिनके लिए आतंकवादी इनके भाई हैं, और इनका ऊपर अब इल्ज़ाम ये है कि इनकी गाड़ी यूज़ हुई थी 2017 में अमरनाथ यात्रियों पे जो अटैक हुआ था, जिसके अंदर लगभग 6 से 7 यात्री जो हैं मारे गए थे। एक बड़ा ही, अगर तो ये चीज़ सच निकलती है तो बड़ा ही घिनौना अपराध किया है इस फॉर्मर एमएलए ने, अगर एनआईए की ये तफ्तीश में साबित होता है तो। अभी फ़िलहाल रडार में है, देखते हैं कि क्या रिपोर्ट एनआईए पेश करती है। फिलहाल आज की प्रमुख हेडलाइंस की बात करें तो पहली खबर की बात करते हैं, जो कल का इंसिडेंट हुआ था गंडोला का, उसके अंदर गवर्नर साहब ने 5-5 लाख रुपए की इमदाद देने की घोषणा की है। जो दो वर्कर वहाँ पर जिनकी मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हैं, जिनमें से एक इंजीनियर भी थे, और उनके इलाज के लिए उनको अमनदीप हॉस्पिटल में उनकी फैमिली द्वारा ले जाया गया है। फिलहाल बाकियों का इलाज जम्मू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अगली खबर की बात करें तो आज बड़गाम चरारे शरीफ में जो है एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, जिसके अंदर 3 आतंकवादी मारे गए। अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले ही खबर आई है कि एनकाउंटर जो है ख़त्म हो चुका है, और इस पूरे एनकाउंटर के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खुशखबरी की बात तो ये है कि क्लीन ऑपरेशन रहा, 3 आतंकवादी इसमें मारे गए, और हमारी तरफ से किसी तरह की भी कोई भी क्षति हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को नहीं पहुंची है। और एक बड़ा ये टेरर ग्रुप था जिसको जो है नेस्तनाबूद किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। अगली खबर की बात करें तो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जम्मू प्रधान राकेश गुप्ता ने यह कहा है कि जो पार्टीज़ हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी तरफ था कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उंगलियां ना उठाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सका तो उन्हें एक बार फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू के लिए वो काफ़ी बार संघर्ष भी करते रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके भी बंद होने की कुछ इस तरह के संकेत आ रहे हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण जो है नेशनल हाईवे बंद कर दिया जाता है। फिलहाल आज दोपहर को कुछ देर नेशनल हाईवे खुला रहा था, जिससे कि गाड़ियाँ जो हैं क्रॉस की नेशनल हाईवे पर, लेकिन जिस तरह से भी बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है तो शायद नेशनल हाईवे फिर से बंद हो जाए। अगली खबर की बात करें तो आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक और खबर आई है, जिसके अंदर कुछ देर पहले से चलती आई लड़ाई झगड़ा अब उसमें एक अलग रुख ले लिया है, और आज डिप्टी मेयर इमरान शेख के ऊपर जो है हमला किया गया, जिसके अंदर जो है डिप्टी मेयर के ऊपर जो है कुछ चीज़ उनके मुंह के ऊपर फेंकी गई, जिससे जो है उनको स्टिचेस भी आए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसलर्स की मीटिंग थी, जिसके अंदर ये हादसा पेश आया, और डिप्टी मेयर ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है पत्रकारों से बात करते हुए कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चला रही है, जिसके अंदर जो है वो ये चीज़ नहीं होने देंगे, और उनके ऊपर जो ये अटैक हो रहा है इसकी उनको पहले ही अंदेशा था, जिसके लिए पुलिस ने भी ये कहा है कि केस दर्ज कर लिया गया है, और शायद जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब आज बात करते हैं जो पीडीपी के फॉर्मर एमएलए एजाज मीर ने के ऊपर जो है एनआईए का शिकंजा कसा है, और कहीं ना कहीं एजाज मीर के ऊपर ये भी बात सामने आ रही है कि जो 2017 में
अमरनाथ यात्रा पे जो अटैक हुआ था उसके अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है कि एमएलए की गाड़ी जो है यूज़ की गई थी। ये वही एमएलए हैं जिन्होंने आतंकियों को अपना भाई कहा था, जो आतंकियों को एजाज मीर ने अपना भाई कहा था। पहले आप वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद बाकी बात करेंगे। जी consider those terrorists, the militants who are getting killed as your brothers, as you said in the assembly yesterday. मेरा ये मानना है कि कब तक ऐसा चलेगा? अब देखिए, हमने 200 को मार गिराया और 200 चले गए, ये सिलसिला चलता रहेगा। कहीं ना कहीं तो इसको थमना होगा, and somebody has to take the pen. ये जो कश्मीर इशू है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू, रिजॉल्व इट पॉलिटिकली। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को जो इसमें मर रहे हैं, कई पैलेट से कई गोलियां चलती है, तो इससे आखिर में हमें मिलेगा क्या? बट डू यू कंसीडर देम एज ब्रदर्स, दोज मिलिटेंट? बिल्कुल, जो कश्मीरी है वो तो भाई है, मिलिटेंट भी वो भाई है। तो ये बताएं, आपके ऊपर भी अटैक हुआ था, आपकी ग्रुप पे ग्रेनेड फेंका गया? देखिए, वो तो आइडियोलॉजिकल, हम लोगों के उनके और हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैश हो सकता है। ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी वो अटैक कर सकते हैं या हम कुछ कह सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वो किसी और चीज़ की बात करते हैं। बात करने से बात बनती है, जब हम उनसे बात करेंगे तभी तो मसले का हल होगा। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो उनसे बात नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता इस मसले का हल होगा। ऐसा एक चीज़ ऐसा नहीं लगता आपको कि सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करेंगे, अगर आप कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकार हमारी, उनके साथ भी हमदर्दी है। हम ये नहीं चाहते कि वो भी मरे, क्योंकि या उनकी माँ से पूछिए जो बॉर्डर पे या किसी एनकाउंटर में कोई सिक्योरिटी अधिकार शहीद होता है, तो उनके माँ बाप को भी दुख होता है। वैसे ही जो मिलिटेंट्स हैं उनके माँ बाप को भी दुख होता है। ये स्टेटमेंट एजाज मीर ने जम्मू के सचिवालय में दी थी, आपको याद होगा, तब भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। पीडीपी के तब एमएलए थे एजाज मीर, और उन्होंने ये कहा था कि आतंकवादी उनके भाई हैं। और आज जो एनआईए की तरफ से एक सिकंजा कसा जाएगा फॉर्मर एमएलए एजाज मीर के ऊपर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उनके ऊपर ये भी शायद सुनने में आ रहा है कि कुछ ये भी इल्ज़ाम शायद लग रहे हैं कि जो 2017 में अटैक हुआ था उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा हाथ जो है उनकी गाड़ी भी यूज़ की गई थी। अभी तक जो है फ़िलहाल ये चीज़ पूरी तरह से सामने तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि शायद एनआईए का ये कहना है कि फॉर्मर एमएलए की गाड़ी यूज़ की गई थी इस अमरनाथ यात्रा के ऊपर, जो अटैक किया गया अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो 2017 में, जिसके अंदर 7 लोग मारे गए थे और 20 लोग जो हैं जिसके अंदर घायल थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब ये अटैक हुआ था उस टाइम जो है काफ़ी आलोचना की गई थी, और महबूबा मुफ्ती द्वारा भी इस चीज़ के लिए कहा गया था कि ये बड़ा ही निंदनीय काम है जो अटैक हुआ है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि एनआईए द्वारा अगर ये कहा जा रहा है कि इनकी गाड़ी यूज़ की गई थी इस पूरे अटैक में, तो वो एक बड़ी बात है, क्योंकि ये जो एजाज मीर हैं ये एमएलए वच्ची से थे और साउथ कश्मीर से, और ये बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले भी कुछ इसी तरह की बात सामने आई थी जिसके अंदर इन एमएलए का नाम पहले भी आ रहा था। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब एनआईए द्वारा अगर इस चीज़ के ऊपर पुष्टि की जाती है तो नेशनल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक और बड़ा झटका लगेगा, जिसके अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फॉर्मर एमएलए जो हैं अगर वो एनआईए की रडार में जाते हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है देखने वाले कि आखिरकार जो ये अटैक हुआ था वो अटैक के अंदर जो 7 लोग मारे गए और 20-30 के करीब लोग जो हैं घायल हुए थे, वो देखने वाली बात है कि आखिरकार ये अगर गाड़ी इनकी यूज़ हुई थी तो क्या वजूहात रहे, क्या रीजंस रहे गाड़ी यूज़ होने के। और बड़ी चीज़ ये भी है कि पूरी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अब एनआईए की रडार में है फॉर्मर एमएलए एजाज मीर, जिनका कहना था कि आतंकवादी उनके भाई हैं। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तब भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे एजाज मीर, और अब
सुर्खियों में रहने का कारण ये भी है कि 2017 का जो अमरनाथ यात्रा यात्रियों पे अटैक हुआ था, बस के ऊपर अटैक हुआ था, ये शाम के टाइम अटैक हुआ था अगर आपको याद होगा, तो उसके अंदर NIA की तरफ से ये कहना है कि इनकी इन फॉर्मर MLA और PDP के नेता की गाड़ी यूज़ हुई थी। अब देखते हैं कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का प्यार आतंकियों की तरफ आता है, कहीं वो प्यार के पीछे कुछ और ही कारण तो नहीं है, जिसका एक सबूत ये भी देखने को मिला है। अब बड़ी बात यह है कि बारिश काफ़ी हो रही है, तो मैंने भी सोचा कि चलो जी थोड़ा बारिश में आप लोगों को अपडेट किया जाए इस बड़ी खबर के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये है कि जहां पर बारिश होते हो, जैसे ही शुरू होती है तो बिजली चले जाती है, तो बिजली चले जाती है तो टेलीविज़न हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में अगर आपका मोबाइल चार्ज है और आपके जियो के अंदर इंटरनेट चार्ज है तो आप मोबाइल पर कभी भी सोशल मीडिया के साथ जुड़े रह सकते हैं। और ये एक अच्छा फ़ायदा भी है हम सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए पत्रकारों का, कि हम लोग आपको जो है पल पल जो है अपडेट करते रहते हैं। और अभी इस टाइम आपको ये बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फॉर्मर MLA जो कि एजाज मीर, उनका नाम आया है इसके अंदर कि जो अटैक हुआ था अमरनाथ यात्रियों के ऊपर 2017 में, उसके अंदर कहीं ना कहीं NIA की रडार के अंदर जो हैं अब एजाज मीर भी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इस चीज़ को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरह से या तो ट्वीट के ज़रिए या फिर स्टेटमेंट के ज़रिए लेती है। हम लोग आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे, आप लोग देखते रहें JK मीडिया।